एक चीज हसनैन भाई के बारे में ऐड करना चाहूंगा फखरिया के, इमरान खान का जो भी जलसा होता है ये बंदा इस गर्मी में हमारे साथ, हमारी नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन हसनैन भाई हैं, और कोई भी शहर हो कोई भी जलसा हो रिपोर्टिंग देख लें, इस बंदे की मेहनत देख लें, ठीक है, और पसीने से शराबूर ये बंदा इमरान खान साहब, ये सब इमरान खान है, ये सब फेस ऑफ इमरान खान है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी खुशी मिलने आपसे मिलने आता है, बड़ी ख्वाहिश थी, नौ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है यहाँ, पता है मुझे, थर्ड से पूरा हो गया आपका, आज मुझे बड़ी खुशी आपसे मिलकर हुई है। हम पीटीआई के बंदे थे, NA50 पहुंचे तो आए, दोबारा आएंगे, इमरान खान आएगा, भाई सच इंशाल्लाह आएगा, बिल्कुल मेजोरिटी इंशाल्लाह आएगा, ठीक है, भाई लव यू। खान साहब आ रहे हैं आपके पास इलेक्शन कंपेन के लिए, शबीर गुजर नज़ीर चौहान का मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे? हम सबको, आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने सारे सिस्टम को जिस तरह पूरा एक्सपोज किया है, हर कोई अब छोटे से छोटा बच्चा भी इमरान खान के लिए दम से जान से नारे लगा रहा है, जोश है, आवाम इस टाइम सब नज़र आ रहे हैं कि पूरा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हमारी कौम डिज़र्व तक नहीं करती, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको गवर्नमेंट में लेके आएंगे, और हम पाकिस्तानी हैं और हमारा फ़ख्र इमरान खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी, जिंदाबाद। की है हाल इलेक्शन दा, कौन जीतने वाला है तू? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, अल्लाह के करम ना, ते इंशाल्लाह साडी पूरी सपोर्ट है इमरान खान दे नाल, साडी जनी आवाम है माशाल्लाह इमरान खान दे नाल है। ठीक है, शबाश जी नु वोट नहीं लगने, ओ वोट असी नहीं पाना, ओ लोटे है ना, सारे लोटे चोर है ना, साडे मुल्क नु लुट के खा के बच्चा सारे चोर, ओ ते कहंदे ने सा मुल्क नु ठीक कर दे, ओ लोटे चोर चोर लोटे चोर है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੁੱਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕ ਸਲਾਮ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ। ਮਸਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੀਡ ਦਾ ਹਰਾਓਗੇ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ? ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 2000 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹੀ ਚਾਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਚੋਰ ਹੈ, ਗਰਦਾਰ ਗਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इमरान खान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान गुड आदमी है, नेक आदमी है, और सब तो वही है कि पूरी मुसलमान जिन्हें भी पूरी दुनिया के मुसलमान का ये लीडर है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਾਦ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜੋ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, पहले तो दो वक्त का खाना खाती थी, अब एक वक्त का खाना खाती है, सिर्फ एक वक्त का खाना खाती है। अभी ये कह रहे थे महंगाई का रोना रो रहे थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, हमें इकतदार में आने थे, आए हैं ना इकतदार में। जब ये इकतदार में आने वाले थे उस वक्त 123 रुपये बैरल लीटर पेट्रोल था, अभी 102 रुपये लीटर बैरल पेट्रोल है, उस वक्त 150 रुपया था, अभी 102 रुपये बैरल लीटर पेट्रोल है, अभी 240 क्यों है? हम इसे पूछते हैं क्यों है? ये चोर है, एक तो पैसा लुट के ले गया, ये इन्होंने पारियां लगाई हुई है, 5 साल वो आता है, 5 साल ये आता है, 5 साल वो आता है, 5 साल ये आता है। बताए खान साहब आ रहे हैं आपके पास, इलेक्शन किसको जितवाएंगे? देखें, हम तो पुरजोर मजम्मत करेंगे कि शबीर अहमद गुजर को इस हल्के से जिताया जाए, भरपूर कोशिश है। अगर हुकूमत में ये बैठे है गंदे कीड़े, राणा सनाउला के डंडे गंदे आंडे बैठे हुए हैं, अगर ये अपना कोई जोरों शोर ना करें, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना करें, आप इनका मुकाबला नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? देखिए भाईजान, घर में भी करप्शन हो जाती है, क्यों नहीं होती? होती है ना, चार बेटे होते हैं, एक बेटे को सौदा लेने भेजते हैं, वो 20 रुपए का चीज लेके आता है, 2 रुपए खा जाता कि नहीं खा जाता, नहीं पकड़े जाते भाईजान इसी तरह। लेकिन जिस तरह ये अपना काम खत्म कर रहे हैं ना, आए हैं इंतजार में, आए हैं, नैब खत्म की है उन्होंने, अपने ऊपर केसेस खत्म किए हैं, ठीक है, अपने गवाह जो थे अब उनको खत्म करवा दिया, इस दुनिया से खत्म करवा दिया, क्या वजह थी बताएं? मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ गया पैसा, इतना पैसा,
IMF से कर्जा लेते हैं आप लोग, कर्जा लेके रोड बना देते हैं, आपको कहते हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान रोड गाने हैं, आप ये 2000 रुपया इशारा करके दे रहे हैं, 2000 रुपया कह रहे हैं, 2000 रुपये की जगह हर घर में सोलर पैनल लगा दें तो बिजली की कमी कम नहीं होगी, बताएं मुझे, जो बढ़ रही है वो कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी मिलने आपसे मिलने आया था, बड़ी ख्वाहिश थी, नव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है यहाँ, पता है मुझे, थोड़ा से पूरा हो गया आपका आज, मुझे बड़ी खुशी आपसे मिलकर हुई है। हम PTI के बंदे थे, NF50 पहुंच जितवाए, दोबारा जितवाएंगे, इमरान खान आएगा भाई, सच इंशाल्लाह आएगा, बिल्कुल मेजोरिटी इंशाल्लाह आएगा। बहुत शुक्रिया भाई, लव यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी भाई, भाई बस सिंपल ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान पहले हमारा जोश था, जज्बा था, जुनून था, अब हमारी जिद है, अब इस जिद को पूरा करके छोड़ेंगे, जिस न्यूट्रल में जिसमें कोई हिम्मत है रोक के दिखाए हमें, अब इमरान खान को जितवाएंगे, PP 167 शबीर गुजर को जिताएंगे इंशाल्लाह। ये 2000 कहाँ करेंगे आप इख्तियार में, चोरी की बिजली लगाते हैं भाई जान। ये 2018 में इमरान खान ने हुकूमत संभाली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती खसारा $30,000 कर्जा था, एक बंदा सुकून से काम कर रहा है, मुझे बताएं आपका घर में कर्जा हो आप आ जाएं, आप पहले कर्जा उतारेंगे कर्जा लेंगे, इमरान खान ने आगे कर्जा उतारा इस मुल्क का, इस अगर वो इतना ही नाहल था तो लंगर खाने वो चला रहा है, सेहत कार्ड उसी खजाने के साथ चलाते, ये चोर हैं, इन्होंने 74 साल से हमारी कौम को सिर्फ एक उसमें लगा के रखा, रोटी का बड़ा मकान, हमें इमरान खान ने शऊर दे दिया है, रोटी का बड़ा मकान अल्लाह ताला सबको खाने के लिए देता है, इन चोरों ने हमें खाने के लिए देना, 30 साल के बाद अगर कोई आया नेक नहीं था इंसान, अमेरिका को जिसने ललकारा है, आज तक अमेरिका की हिम्मत नहीं थी वो कभी हमारे लकाले 3.5 सालों में, आप मुझे खुद बताएं ईमान से अपने ईमान से, क्या अमेरिका ने 3 सालों में आगे पाकिस्तान में कोई हमला किया, स्टैब्लिशमेंट ने कोई हरकत की, आज अमेरिका ने आप स्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करके आप एक चोरों को हुकूमत ला के आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, पाकिस्तान में जो सी मर्जी चोरी कर लो कोई मसला नहीं, आप आवाम को भी ये पैगाम दे रहे हैं, बच्चों को भी पैगाम दे रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को आप चोरी करें आपको कोई नहीं रोकेगा, ये बख्त हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है, हमारा आने वाला फ्यूचर जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो एक ही बंदा कर सकता है, वो इमरान खान है, इमरान खान पहले एक लीडर थे, अब वो हमारी एक जिंदगी है, अगर हमें पता लग रहा है आ रहा है बड़ी खबरों से कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है, अगर हम एक इशारा दें हम उनकी सिक्योरिटी पे खुद तैनात होंगे। अच्छा मुझे ये बता दे यहाँ से इलेक्शन जितवाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं लौटे, कभी कामयाब नहीं होता, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो गद्दारी करते हैं वो हमेशा खत्म हो जाते हैं, अब अल्लाह बातिल निस्तबूद है, ये बातिल ये चोर लौटा, मेरी 2018 में चौहान साहब से मुलाकात हुई है इलेक्शन के दिनों में, उन्होंने मेरा माथा चूमा, मुझे आज तक दुख है यार, एक गद्दार ने मेरा माथा चूमा, एक चीज शर्म आनी चाहिए। देखें जी यहाँ इन लोगों का जज्बा देखें जी एक चीज हसनैन भाई के बारे में ऐड करना चाहूँगा फखरिया, के इमरान खान का जो भी जलसा होता है ये बंदा इस गर्मी में हमारे साथ, हमारी नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन हसनैन भाई हैं, और कोई भी शहर हो कोई भी जलसा हो रिपोर्टिंग देख लें, इस बंदे की मेहनत देख लें, ठीक है, और पसीने से शराबूर ये बंदा इमरान खान साहब, ये सब इमरान खान है, ये सब फेस ऑफ इमरान खान है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बाय मीम्स बाय हमजा वान प्लेटफॉर्म से पुराना पाकिस्तान में, अभी यहाँ पे पिछले दिनों यहाँ पे शहबाज शरीफ आए हुए थे, ऐसे हुए थे जैसे फौत की हुई होती है, शादियाँ में बैठे हुए थे, अफसोस कर रहे थे, हमारा लीडर इंशाल्लाह खुलम खुला आता है और हमारे मैदान में बातें करता है, ये गद्दार हैं ये चोर हैं, छुप के आते हैं और छुप के जाते हैं, हमारा वज़ीर आज़म ऐसे आया है और इंशाल्लाह ऐसे चांद की तरह जाएगा।